आपको गोविंद देव जी मंदिर लेकर चलते हैं, जहां इस वक्त राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद हैं, विशेष पूजन उन्हें मंदिर महंत करा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्यक्रम राज्यपाल का बना गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करने का, और यहाँ आने की जैसे ही जानकारी मिली तैयारियां उस हिसाब से मंदिर महंत ने कर की, और अब विशेष पूजन भी कराया है। पूजन करने के बाद अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र। हालांकि मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीरें, जहां विशेष पूजन करने के बाद अब राज्यपाल कलराज मिश्र यहां से रवाना हो रहे हैं। जयपुर आने के साथ ही राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभालने के साथ ही मोती डूंगरी गणेश मंदिर में उन्होंने दर्शन किया था। इसके बाद भी लगातार सक्रिय हैं राज्यपाल, दौरे भी किए उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात भी, सुनते हैं। ऐसा तो नहीं कि बाद में कोई आकर फिर कहें कि नहीं, नहीं जी, कैसा रहा? देखिए, ये देवभूमि है, शौर्य भूमि है, साहित्य कला की भूमि है, और स्वाभाविक रूप से यहाँ आने के पश्चात अंदर की इच्छा जागृत होती है कि जिनके प्रेरणा से ये सारा इलाका गौरवान्वित है, उनका दर्शन करें। और इसलिए प्रथम दिन जब मैं आया था तो मोती डूंगरी के विनायक जी का मैंने दर्शन किया था, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। आज मैं गोविंद नारायण का दर्शन करने आया हूँ, मथुरा से आए हैं, मथुरा भी हमारा प्रेस है, उनका तो सर्वव्यापकता है, इसे स्वाभाविक है यहाँ आने के बाद। मैं तो सोचा था केवल दर्शन करके चला जाऊँगा, लेकिन आपने पूजन का आयोजन किया, इससे मन के अंदर एक आंतरिक संतोष की स्थिति निर्माण हुई है। और इसलिए आपने कहा कैसा लगा, अरे देव भूमि पर दर्शन करने जाएंगे तो कैसा लगेगा, स्वाभाविक रूप से भक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति इसका संचरण होगा, ऐसे ही लगा। आप सिर्फ कार्यक्रम में तो भाग ले ही रहे हैं और मंदिर, जैसे आपने कहा मोती डूंगरी भी गए और उसके बाद अब गोविंद देव जी आए हैं, तो क्या और भी मंदिर अब छोटी काशी में घूमने का आपका कार्यक्रम? मैं बोल के नहीं जाता हूँ, आज भी मैं कह के नहीं आया हूँ, आज तो मैं ऐसे ही आ गया, लोगों को पता लग गया अलग बात है, तो जहाँ जाना होगा मैं चला जाऊँगा, जब भी प्रेरणा इनकी होगी स्वाभाविक रूप से वहाँ अपने आप खिंचा होता चला जाएगा। तो अन्य भी जहाँ, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो राज्यपाल कलराज मिश्र को आप सुन रहे थे, विशेष पूजन यहाँ पर करने के बाद वो रवाना हो रहे थे, तब मीडिया से मुखातिब हुए। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने तो सोचा था कि आऊंगा गोविंद देव जी में दर्शन कर यहाँ से रवाना हो जाऊंगा, लेकिन विशेष पूजन यहाँ पर कराया गया, मन को बहुत शांति मिली, आध्यात्मिक तौर पर भी गोविंद देव जी मंदिर में जिस तरह से आने पर अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, वैसा ही मुझे भी महसूस हो रहा है। और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आने के साथ ही दर्शन किए थे और आज सौभाग्य मिला गोविंद देव जी में दर्शन करने का, आगे भी जब जहाँ से बुलावा आएगा दर्शन करने पहुँच जाऊँगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदारी जो राजस्थान की मिली है उसे तो निभाना ही है और जितने अच्छे से निभा सके, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर भी एक जुड़ाव रहता है और ऐसे में जब भी मन करेगा यहाँ दर्शन करने वैसे भी आता ही रहूँगा, लेकिन आज पहली बार है जब गोविंद देव जी मंदिर पहुँचा और विशेष पूजन किया।